एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एट लिव सिंपली विद संगीता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग आइडिया जो होते हैं घर पे रखी चीज़ों से ही तैयार। जी हाँ, कुछ ऐसी ही चीज़ें जो हमारे आसपास है उन्हीं को यूज़ करके हम बनाएंगे अपने लिए कुछ यूज़फुल चीज़ें। ये देखिए, मेरे पास बहुत सारी रिंग्स रखी हैं, आई होप आप सबके पास भी होती होंगी। तो क्या होता है, मोस्टली इनके नग्स हैं जो आपस में इस तरह से होके मिल जाते हैं या निकलने का डर रहता है। तो मैं सोच रही थी इनके लिए कुछ एक ऐसा तरीका तैयार करूँ जिससे ये आराम से रखी रहे, एक दूसरे को टच ना हो और इनकी ब्यूटी इसी तरह बनी रहे। ये देखिए, मेरे पास ये प्लास्टिक की डिब्बी है। मोस्टली हम चूड़ियाँ वगैरह लेते हैं तो ये हमें मिलती ही है, और साथ में यूज़ करने वाली हूँ मैं ये स्पंज। ही आपको याद होगा मेरे एक DIY में मैंने यूज़ भी किया था इसका एक पार्ट। इसको मैं कट कर लूँगी, देखिए राउंड शेप में, बिल्कुल इसी शेप में, और इसमें रखेंगे अपनी रिंग। उसके लिए मैं लगा रही हूँ छोटे छोटे से कट ताकि इनमें अच्छी तरह से अटैच कर सकूँ अपनी रिंग को। बहुत ही इजीली और जल्दी बनने वाली DIY है ये। ये देखिए, अब आपकी कोई भी आर्टिफिशियल या ओरिजिनल ज्वेलरी आप इस तरह से बड़े अच्छे से संभाल के रख सकते हैं। कोई भी इयररिंग है, रिंग्स हैं, ये अपनी जगह पर पूरी तरह इंटैक्ट रहेंगी, बिल्कुल भी हिलती नहीं है ये देखिए। और आपकी सारी चीज़ें, सारी ज्वेलरी रहेंगी एकदम अच्छे से सुरक्षित। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप यू विल ऑल्सो ट्राई दिस आइडिया। तो अभी नेक्स्ट बनाने वाले हैं हम एक DIY ऑर्गेनाइज़र। ये देखिए, इस तरह के बैग्स हमारे पास अक्सर होते ही हैं। इनको मैं यूज़ करके बनाने वाली हूँ एक हैंगिंग अलमीरा ऑर्गेनाइज़र। कुछ भी आपको सिलाई नहीं करनी है, कुछ भी पेस्ट नहीं करना है, बस एक हल्का सा कट लगाएंगे और हो जाएगा तैयार हमारा ऑर्गेनाइज़र। ये सबसे आसानी से बनने वाला ऑर्गेनाइज़र है और ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप आराम से रख पाएंगे इसके अंदर। ये देखिए, बस एक कट लगाने से ये तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हैंगिंग रोड में इस तरह से इसको लगा देंगे। बहुत ही स्टर्डी रहता है ये, पीछे की तरफ वाला हिस्सा ना कट करें, सिर्फ आगे की तरफ का हिस्सा कट किया है मैंने। ये देखिए, कितनी भी चीज़ें आप इस तरह से इसमें आराम से रख सकते हैं। जो हैंगर में या नीचे की तरफ रखने में बहुत ज़्यादा स्पेस जाता है, यहाँ पर आप आसानी से रख सकते हैं। आपका वर्टिकल स्पेस सारा का सारा यूज़ हो जाएगा, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा स्पेस आपका। तो इस तरह से अपनी अलमीरा में ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बना के रखें ताकि आप अपना स्पेस बचा सकें। चाहें आप इसको जिस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। बहुत ही स्टर्डी है ये, कितना भी वेट आसानी से उठा सकता है। ये देखिए, आई होप ये आइडिया आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और अगर पसंद आया हो आइडिया तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपने नए आइडिया की तरफ। ये देखिए, हमारे पास इस तरह के पिल्लोज़ होते ही हैं, बट अक्सर जब घर पर गेस्ट आ जाते हैं तो घर पर पिल्लो कम पड़ जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आपको एक ऐसा ही आइडिया। ये देखिए, हमारे पास इस तरह के ब्लैंकेट होते हैं, इनको हम आसानी से एक पिल्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको उसी शेप में इनको फोल्ड करना है जैसा भी आपका पिल्लो का कवर है, और इसको इसके अंदर डाल दीजिए। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये फ्लीस ब्लैंकेट, पता भी नहीं चलेगा कि किसी को ये पिल्लो है या ब्लैंकेट है। तो इस तरह से आप अपने पिल्लो की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जब भी कोई गेस्ट घर पर आता है। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा फ्लफी पिल्लो आपका बनकर तैयार है। ये देखिए, चाहे आप जितने मर्जी बना सकते हैं। मुझे तो ये रियल पिल्लो से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी चीज़ों को रखने का भी और उसको यूज़ भी करने का। तो आप अपना कंबल रख भी देंगे और उसका यूज़ भी प्रॉपर हो जाएगा। तो सेम इसी तरह बना रही हूँ मैं एक और। तो जितने भी अगर आपके पास पिल्लो हैं तो इस तरह से आप तैयार करके रख सकती हैं ब्लैंकेट से, है ना। बिल्कुल ये आइडिया भी बिना कोई सिलाई किए, बिना कोई टाका लगाए, कुछ भी काटे बिना, सिंपल सा एक ऐसा आइडिया जो आपके लिए एक ऐसी ही प्रॉब्लम का सलूशन दे देता है।
आई होप आपको ये आइडिया यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब जो ऑर्गेनाइज़र मैं बनाने वाली हूँ, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये देखिए, बस हमें क्या करना है, एक हल्का सा कट लगाना है। आज के सारे ही आइडियाज़ बहुत ईजी हैं, मिनटों में तैयार होने वाले हैं। कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है आपको। कोई भी एक इस तरह का बॉक्स आप ले सकते हैं, बस उसको ऊपर से इस तरह से आपको कट करना है और आपका बन के तैयार हो जाएगा एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र। गार्बेज बैग जब भी हम रखते हैं, वो कोई ना कोई तरीका कितना भी क्यों ना इस्तेमाल करें, वो बिखरते ही रहते हैं यहाँ वहाँ। तो अगर आप इस तरीके से अपने गार्बेज बैग रखेंगे तो बिल्कुल भी स्पिल नहीं होंगे इधर उधर, और आसानी से आप उनको निकाल भी सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने लिए हैं गार्बेज पेपर और एक कोई भी कार्डबोर्ड शीट ले लें आप उसके अंदर, तो बस उसको अपनी जगह पर रखने के लिए वो कार्डबोर्ड शीट हम यूज़ करेंगे, और फिर उनको इस तरह से आप इसके अंदर डाल दें। बहुत सारे हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस आते रहते हैं, बस उन्हीं को यूज़ करके आप इजीली बना सकते हैं। और ये देखिए, आपकी एक ही शीट निकलेगी, नेक्स्ट शीट बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, सारी की सारी शीट्स इसी तरह से रहेंगी। कैसा लगा आपको ये आइडिया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है ये। जो हमारा नेक्स्ट आइडिया है, वो भी देखिए, इस तरह की हमारे पास छोटी छोटी सी कार्डबोर्ड बॉक्सेस बच जाते हैं, जिसमें कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं या भी कोई भी क्रीम आती है हमारे पास, तो इनका भी एक बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से बस मैंने इसको 2 पीस में कट कर लिया है, छोटे छोटे से मेरे पास क्यूब बॉक्सेस तैयार हो गए हैं। तो फ्रिज में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से रखने के लिए होती हैं, ये आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए, जैसे मैं ये सॉसेज के पाउच हैं, या आपके कोई लेमन है, ग्रीन चिलीज हैं, या कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप एक अलग से एक्स्ट्रा स्पेस बना सकते हैं अपने फ्रिज में बहुत ही आराम से, और इनको फेंके बिना आप इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कैसे लगे आपको सारे ही आइडिया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय एंड हैव अ नाइस डे।